आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी है और इजी है अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ढाई ग्राम ग्रेटेड चीज़ ले लिया है आप अपने हिसाब से पनीर की क्वान्टिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई आप स्किप भी कर सकते हैं आधा छोटा चम्मच काले मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक आधा छोटा चम्मच गरम मसाला इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो भी मिक्स कर लेंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे yeah. स्टफिंग रेडी है इसको साइड में रख देंगे और अब हम तैयारी करेंगे बैटर की इसके लिए मैंने 100 ग्राम मूंग की दाल ली है जिसका मैंने पाउडर बना लिया है अब इसके बाद हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच नमक आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और ये थोड़ा सा हरा धनिया और ये बेकिंग पाउडर ये मैंने वन फोर्थ डाला है और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे इसमें सारा पानी एक साथ नहीं डालना है नहीं तो बैटर पतला भी हो सकता है इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए तो देखिए बैटर काफी थिक है अभी इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे टोटल मैंने एक ग्लास पानी अभी के लिए इसमें डाल दिया है बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे अब मैंने ब्रेड लिया है और इसको मैंने ट्राइंगल शेप में कट कर लिया है ब्रेड को रख देते हैं साइड में अब हम लेंगे चीज़ स्लाइस और इसको भी हम ट्राइंगल शेप में कट कर लेंगे चीज़ बहुत ही सॉफ्ट होती है तो इसको बहुत आराम से कट करना है जल्दी जल्दी इसको कट नहीं करना है नहीं तो ये टूट सकती है चीज़ भी कट हो गया है ये ट्राइंगल शेप में कट किया है मैंने तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं अब हम ब्रेड लेंगे एक पीस एक पीस चीज़ स्लाइस और इस पर जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो इस पर आराम से रख देंगे थोड़ा सा इसको ऊपर से प्रेस करते हुए रखेंगे नहीं तो ये बाहर गिर जाएगी चम्मच की हेल्प से हम इसको ऐसे सेट कर देंगे अब दूसरा ब्रेड का जो स्लाइस है इसके ऊपर हम रख देंगे और इसको फिर से प्रेस करेंगे जिससे कि ब्रेड स्लाइस इसमें से गिर ना सके और ये एक रेडी हो गया है ऐसे ही मैं और भी रेडी कर लूँगी अब देख लेते हैं बैटर को ये काफ़ी थिक हो गया है देखिए बिल्कुल पेस्ट इसका बन गया है इसमें अब हम पानी और ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए नहीं तो इसमें ब्रेड जब हम डिप करेंगे इस पर कोटिंग नहीं होगी तो देखिए एक स्लाइस लेंगे और इसको ऐसे डिप करेंगे डिप करने के बाद इसको अब हम ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे देखिए इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे थोड़ा सा प्रेस करते हुए चारों तरफ से साइड्स पे भी लगा देंगे एक स्लाइस हमारी तैयार हो चुकी है तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं बहुत ही आराम से इसको फ्राई करने के लिए डालना है और तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तभी इसको फ्राई करने के लिए डालें ठंडे तेल में डालेंगे तो ब्रेड काफ़ी सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा इसको पलट लेते हैं तो देखिए हल्का हल्का सिकने लगा है दूसरी साइड से भी पलट लेते हैं तो एक सैंडविच हमारा बन के रेडी है इसको निकाल लेते हैं तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में ऐसे ही दूसरा भी बना लेते हैं इसको ऑयल में डालते ही थोड़ा सा ऐसे तेल इसके ऊपर डाल दें जिससे कि ये दूसरी साइड से भी कच्चा ना रहे बिल्कुल इसको भी दोनों साइड से पलटते हुए सेक लेंगे अच्छी तरह और ये भी रेडी है तो देखिए कितना बढ़िया देखने में ही लग रहा है खाने में तो बहुत ही टेस्टी है तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं और ये रेडी है मूंग दाल ब्रेड पकोड़ा विद चीज़ स्टफिंग तो इसको कट करके भी दिखा देती हूँ मैं ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसका आया है बन के तो देखिए चीज़ भी इसका बिल्कुल मेल्ट हो गया है और गरम गरम इसको सर्व कीजिए और इस रेसिपी का मज़ा लीजिए तो देखिए चीज़ कैसे इसका मेल्ट हुआ है एकदम प्रेस करके देखते हैं बिल्कुल परफेक्ट मूंग दाल ब्रेड पकोड़ा बनकर रेडी है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए अराधिका के कुकिंग चैनल मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए तो मिलते हैं ऐसी और ईजी और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ तब तक के लिए बाय